Hi, my name is Imran Nadir. I talk about digital marketing on all my social media. पिछले कई दिनों से मैं एक दो solutions ढूंढ रहा था और मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें विजिट की। सबसे पहला solution ये था कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर मैं और मेरी टीम अपडेट डालें और क्लाइंट भी अपना फीडबैक ऐड करें और एक जो प्रोडक्टिविटी होती है ना कि काफ़ी कम लोग इन्वॉल्व हों और रिपोर्टिंग भी ईजी हो जाए, तो क्लाइंट भी अपडेटेड रहे और हमारे पास भी रिकॉर्ड रहे। एक चीज़ तो ये थी। दूसरी ये चीज़ थी कि मैं एक टूल, हर चीज़ के लिए अलग अलग डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल कर रहा था, जैसे कि नोट्स के लिए अलग, टू डू लिस्ट के लिए अलग, इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अलग, इसके अलावा कैलेंडर एक डिफरेंट चीज़ थी और ईमेल्स अलग थी। तो ये सारी चीज़ें एक अलग अलग चीज़ों से कर रहा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर की और गूगल को मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर किया तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिली। मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ Google help me increase my productivity to 10x. Let me take you to my screen. अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि ये Google का कोई Chrome ब्राउज़र नहीं है, ये Google Gmail है और Gmail का एक छोटा सा शॉर्टकट बनाया हुआ है। जैसे ही आप Gmail ओपन करते हैं, आप 3 डॉट्स पे क्लिक करें और इसके अलावा सेव एंड शेयर पे क्लिक करें, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपके पास क्रिएट शॉर्टकट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप जो भी आप इसका नाम रखना चाहें वो करें और क्रिएट करें, तो एक शॉर्टकट बन जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे उसको तो इस तरह की चीज़ ओपन हो जाएगी अलग से, ब्राउज़र से अलग, और फिर आप उसको पिन कर सकते हैं, राइट क्लिक करके और आप उसको पिन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ। अच्छा, ये है सिंपल जीमेल जो कि हर किसी के पास होती है, जो जब भी आप कोई साइन अप करते हैं तो सिंपल ईमेल्स के लिए जीमेल होती है। इसने मेरी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ किया मैं आपको वो बताता हूँ। ये जितनी भी ईमेल्स होती हैं इस ईमेल के ऊपर लैंड होती हैं, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट इसी जीमेल के ऊपर हो या फिर सबसे पहले मैंने काम किया अपनी जो ईमेल्स हैं उनको मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट कर लिया, आई मैप कर लिया, या पॉप थ्री के थ्रू आप कर सकते हैं। सिंपली आपकी जो भी डोमेन होती है आप उसको आई मैपिंग करते हो ताकि आपकी उस जो डोमेन है उसकी ईमेल्स आप जीमेल के ऊपर रिसीव कर सको और वहाँ से सेंड भी कर सको। तो मैंने एक लेबल्स बना दिए और मेरे पास अभी क्या हो गया, एक तो डायरेक्ट जीमेल आ गया, दो मेरे पास जो बिजनेस की ईमेल्स हैं डायरेक्टली वो आ गई और मैं यहाँ से इन दोनों ईमेल या तीनों ईमेल्स यूज़ करके सेंड भी कर सकता हूँ, रिसीव भी कर सकता हूँ। मुझे अलग अलग ब्राउज़र ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मैं तीन तीन जगहों पर अलग अलग जो है नोटिफिकेशन लेता रहूँगा, रिसीव करता रहूँगा। एक तो ये है, ईमेल्स मेरी आसान हो गई, एक जगह पर आ गई। दूसरा सबसे मेन चीज़ एक और, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास कैलेंडर भी आ गया और मैं यहाँ पर कैलेंडर इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब भी कोई मेरी मीटिंग वगैरह होगी तो मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा कि मेरी मीटिंग कब है। इसके अलावा नोट्स, अगर मैं कोई भी नोट्स ऐड करना चाहूँ, ताकि होता है ना कि समटाइम्स आप नोट्स यूज़ कर रहे होते हो तो आप इस चीज़ का नोट्स रखना चाहते हो ताकि मैं बाद में उसको देख लूँ, या एज अ नोट आप नोट कीपिंग कर सकते हो इसी को यूज़ करके। इसके अलावा टू डू लिस्ट, आप अपने लिए टू डू लिस्ट बना सकते हो, अपनी टीम का टू डू लिस्ट बना सकते हो, एवरीथिंग। जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, 3 डिफरेंट टू डू लिस्ट बनाया हुआ है, मार्केटर्स का अलग है, नेक्स्ट का अलग है, पर्सनल का अलग है। इसी तरीके से आपके कॉन्टैक्ट्स भी आ सकते हैं और आप डिफरेंट चीज़ों को ऑटोमेट भी कर सकते हैं, लिंक भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो जो भी आपकी चीज़ें हैं आप थर्ड पार्टी यहाँ पर इंटीग्रेट भी कर सकते हो। अच्छा, ये हो गया मेन चीज़ें। अब मेरे पास क्या गया, ईमेल्स एक जगह पर आ गई, मेरे नोट्स, मेरा कैलेंडर, मेरे टास्क, ये सारी एक जगह पर आ गए। उसके बाद जो मेन और चीज़ है, मेरे पास गूगल चैट आ गया, ठीक है। मुझे अब कोई भी कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग अपनी टीम के साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके अपनी टीम के साथ चैट के ऊपर बात करूँ। मैंने सिंपली स्पेस बनाया और मैंने आपको स्पेसेस दिखा देता हूँ, जैसे कि ये हमारी टीम के लिए, ये क्लाइंट डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए। इसका एक और फ़ायदा ये है कि जो भी क्लाइंट है ना, मैं क्लाइंट के साथ वही सेम चीज़ जो सारी चैट है वही शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पर क्लाइंट अपनी जीमेल आईडी के थ्रू ही लॉगिन करके हमें अपडेट भी दे सकता है, हमसे पूछ भी सकता है और हम उसे अपडेट भी दे सकते हैं और उसे बता भी सकते हैं। तो हमें थर्ड पार्टी या कोई और चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहीं पर ही मैंने क्या किया, क्लाइंट और टीम को साथ मिला दिया और वहाँ से मैं हट गया, तो मेरा टाइम यहाँ पर भी बचेगा। अच्छा, एक और चीज़, आप स्पेसेस अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, टीम्स के लिए भी, क्लाइंट्स के लिए भी। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आप न्यू स्पेस पे जाते हो और न्यू स्पेस क्रिएट करके आप उसी को मैनेज कर सकते हो। ये हो गया 4-5 चीज़ें जो कि मैंने अभी आपको बताई। एक और मज़े की चीज़, मीट। जब भी मुझे मीटिंग करनी है
तो मुझे अलग से जूम या मुझे अलग से मीटिंग नहीं करना पड़ेगी, यहीं से मैंने मीटिंग की और यहीं पर सारा कुछ किया और मेरा कितना टाइम था और वो कितना टाइम बचा है। एक और मज़े की चीज़ ये है कि इसकी अगर मैं नोटिफिकेशन ऑन कर लूँ तो मुझे नोटिफाई कर रहा है कि भाई आपके पास एक मैसेज आया हुआ है, अगर आप ये देख लें लेफ्ट कॉर्नर पे तो एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि यार ये यहाँ पर एक मैसेज आया हुआ है। और इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई टीम या मेरा क्लाइंट कोई अपडेट करता है तो यहाँ पर लंबी लिस्ट लग जाती है, तो मैं उनको बाद में रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। तो मुझे अब बहुत सारी चीज़ों की अलग अलग सी ज़रूरत नहीं पड़ेगी होपफुली। सबसे पहले ईमेल्स मेरे यहाँ पर आ गए, मेरा चैट सिस्टम पूरा यहाँ पर आ गया, मेरा मीटिंग का सिस्टम यहाँ पर आ गया, मेरा कैलेंडर यहाँ पर आ गया, मुझे कोई नोट लिखनी है वो आ गए, मुझे कोई टू डू लिस्ट करनी है वो आ गए। एक और चीज़ मजे की बात, जब मैं स्पेसेस बनाता हूँ तो यहाँ पर स्पेसेस बना के हम एक दूसरे को टास्क असाइन कर सकते हैं कि अगर मैंने किसी टीम मेंबर को टास्क असाइन करना है तो यहाँ से सिंपली ऐड स्पेस टास्क करता हूँ और उसके पास नोटिफिकेशन चला जाता है यहाँ पर, और मैं अपने लिए भी कर सकता हूँ या टीम मेरे लिए भी कोई टास्क ऐड कर सकती है। तो ये भी एक चीज़ है कि एक दूसरे को हम आसानी से टास्क असाइन कर सकते हैं। एक और मतलब की चीज़ इसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आप एक चीज़ मैनेज नहीं कर सकते, मल्टीपल अगर आप चीज़ें मैनेज करते हो तो यहाँ से आप मल्टीपल लिस्ट भी बना सकते हो। वेल दैट्स इट, आई होप इसमें से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा और अपनी प्रोडक्टिविटी आप इंक्रीज कर सकते हैं। डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, या फिर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो यू कैन टेल मी, एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और इस तरह की कोई और वीडियो आपको चाहिए तो आई विल बी हैप्पी टू यू नो क्रिएट अ वीडियो। इस वीडियो के लिए मैंने स्पेसिफिकली ये 5-7 मिनट निकाले हैं, आई हैव टू बी समवेयर, बट फिर भी मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की बिकॉज आई थॉट इट इज इट विल बी हेल्पफुल फॉर मेनी ऑफ यू गाइस। दैट्स इट, दो हम याद सी इन द नेक्स्ट वन, फॉलो मी फॉर मोर।